भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में इसमें वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा था कि अगले 3 से 4 दिनों में पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 24 नवंबर को भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के अलग अलग कुछ इलाकों में शीतलहर जारी रह सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 23 नवंबर के लिए भी इन राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान लगाया था। मौसम विभाग ने कहा था कि सोमवार को कि 23 और 24 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान की अलग अलग जगहों पर शीतलहर चल सकती है। इसके बाद ये बंद हो जाएगी। ऐसा होने पर इलाकों के न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान भी घटने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर कश्मीर के हिस्सों में 24 नवंबर को यानी आज हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है। बता दें कि कश्मीर में सर्दियां कठोर मौसम की चरम की शुरुआत से काफी पहले शुरू हो गई है, जो आमतौर पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह के आसपास शुरू होती है। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के 40 दिनों की अवधि चिल्लई कला हर साल 31 दिसंबर से शुरू होती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा था कि अगले 5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इन 5 दिनों की शुरुआत आज से हो रही है और अब अगले 4 दिन भी ऐसे ही स्थिति बनी रहने की संभावना यहां पूरी पूरी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।